और इसके ऊपर हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह से रवनीत बिट्टू जी का बयान आया था कि किसान अभी काम खेत खलियानों में काम कर रहे हैं, कोई भी रेल पर नहीं आएगा, तो हमने स्पष्ट बोला था बिट्टू जी, अगर भाजपा के, हम ऐसा नहीं चाहते हैं भाजपा के साथ ऐसा हो, अगर आपके पांच लोग किसी ने थार गाड़ी के नीचे देकर मारे होते तो आपको कलेजे को हाथ डलता, तो आपको मालूम होता कि किस तरह से किसके मरते हैं, और आपको आपको इंसाफ ना मिलता और उन मुजरिमों को अदालत जो है जमानत दे देती, रिहा कर देती, तो फिर हम आपसे पूछते कि इस इंसाफ के लिए काम जरूरी है या इंसाफ लेना जरूरी है। तो रवनीत बिट्टू जब बोलते हैं किसानों को बदनाम करने के लिए बोलते हैं, हमने पहले बोला था, पहले गृह मंत्री जी का बयान आया, उसके बाद कंगना जी का बयान आया, उसके बाद खट्टर साहब हमारे खिलाफ बोले, तब रवनीत बिट्टू जी बोल रहे हैं, वो बिट्टू जी जिनको पंजाब भाजपा बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके प्रधान रूट कर बैठे हुए हैं, तो वो हमारे हमको बदनाम करने के लिए लगातार बोल रहे हैं। तो आज देखिएगा लाखों किसान मजदूर आंदोलन में आएंगे। दूसरा, जो मोर्चा 13 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, एमएसपी लीगल गारंटी कानून के बगैर किसानों का नहीं चलेगा, उस बात को लेकर उन्होंने C250 के अनुसार फसलों के दाम देने की बात कही थी, उसके लिए उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग के बीच किसानों की कर्ज माफी होगी, उसके लिए फसली बीमा योजना, नरेगा 200 दिन, आदिवासियों की संविधान की 5वीं सूची और अन्य मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, जिस दिल्ली आंदोलन पहले में जो 19 दिसंबर 2021 को चिट्ठी आई थी, जिसमें से खेतीबाड़ी मंत्री ने हमें लिखकर भेजा था ये मुद्दों का हल कर देंगे, शहीदों को नौकरियां देंगे, उन मसलों को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो इसलिए 2 घंटे का रेल रुको है, और हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दिया गया, और हमारा जो हरियाणा के बॉर्डर है उनके ऊपर शहीद शुभकर्ण को गोली मारकर शहीद किया गया, 433 से अधिक किसानों को जख्मी किया गया, और हरियाणा में 70,000 अर्धसैनिक फोर्स लगाकर हरियाणा को खुली जेल में बदल दिया गया। अब हरियाणा के निवासी इन सब जो वो भाजपा ने किया उसका 5 अक्टूबर को जवाब दे देंगे। हम हरियाणा के लोगों को यही अपील करना चाहते हैं, जब भी वोट डालने जाओ, जिस पार्टी को मर्जी डालो, हमारा कोई लेना देना नहीं, पर याद रखना एमएसपी लीगल गारंटी कानून नहीं बनाया भाजपा ने, याद रखना हमें दिल्ली नहीं जाना दिया गया, याद रखना बॉर्डरों के ऊपर एक सरहद बना दी गई और हमारे ऊपर जुल्म किए गए। अगर आप किसान मुद्दे को, हमारे ऊपर हुए जुल्मों को याद रखेंगे, फिर आप सही जगह कर वोट करेंगे।